बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल देसी विलेज फूड्स। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हमारी रेसिपी है चने की दाल की। आइए आपको दिखाते हैं कि ये रेसिपी हम किस तरह तैयार करेंगे। चूल्हे में आग जल चुकी है। एक हमने देगची ली है जिसमें हमने आधा कप घी डाल लिया है। घी हमारा अच्छी तरह गर्म हो जाए, बाकी की चीज़ें हम बाद में डालेंगे। घी हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अब हम डाल लेते हैं दो प्याज रफली चॉप किए हुए। प्याज डालने के बाद हम इनको हल्का फ्राई करेंगे। प्याज हमारा हल्का फ्राई हो चुका है। अब हम डाल लेते हैं 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन का पेस्ट डालने के बाद अब हम इसे तब तक भूनेंगे जब तक इसका कच्चापन खत्म नहीं हो जाता और बहुत अच्छी खुशबू नहीं आने लग जाती। तब तक हम इसकी भुनाई कर लेते हैं। अदरक और लहसुन का पेस्ट बहुत अच्छी तरह भुन चुका है। अब हम डाल लेते हैं 2 टमाटर और 3-4 हरी मिर्चें लंबाई में कटी हुई। टमाटर डालने के बाद अब हम इसे तब तक भूनेंगे जब तक टमाटर हमारी अच्छी तरह सॉफ्ट नहीं हो जाते। टमाटर हमारी अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम डाल लेते हैं पाउडर मसाले, 1.5 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून भुना कुटा सफेद जीरा। अच्छी तरह मिक्स करते हैं, 2 मिनट तक भून लेते हैं। पाउडर मसाले हमारी अच्छी तरह भुन चुके हैं। अब हम डाल लेते हैं 250 ग्राम उबली हुई दाल। अच्छी तरह मिक्स करते हैं और 5 मिनट तक और पका लेते हैं। पाँच मिनट तक हमने पका लिया है। हमारी चना दाल की रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, हमने आज की रेसिपी को तैयार करके इसे डिश आउट कर लिया है। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आए, इसको आप शेयर और लाइक करें। हमारे चैनल देसी विलेज फूड्स को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई रेसिपी आप तक टाइम पे पहुंच सके। अगली वीडियो तक हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।